हेलो फ्रेंड्स, कोच सलमान खान लाइव आपके सामने। बहुत टाइम के बाद मैं आया हूं और आज जनता कर्फ्यू है। जैसे हमें पता है, हमारे पीएम साहब ने डिक्लेयर किया है और हम अप्रिशिएट करते हैं हमारे लीडर्स को, हमारे सीएम को, हमारे पीएम को अप्रिशिएट करते हैं। नेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं ये लोग और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें हमारे लीडर्स को सपोर्ट करना चाहिए और उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जहाँ से वो लोग देख रहे हैं हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको पूरी दुनिया पे नज़र है। उनको पता है क्या स्टेप्स लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो जो भी चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हैं उसको हमको ब्लाइंडली फॉलो करना है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन से तो मैं भी घर पर बैठा हूँ। मेरे काफ़ी सारे सेमिनार्स थे वो कैंसिल हो गए, मेरे वर्कशॉप थे वो कैंसिल हो गए, मीटिंग्स मेरी नहीं हो रही है। उसी तरह से आप लोगों के साथ में भी ये सारी चीज़ें हो रही होगी। हम घर पर हैं, हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम करें तो क्या करें, हम घर पे बैठ के क्या करें, राइट? तो हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से, मैंने जो कल 2 दिन पहले मेरे दिमाग में थॉट आया और ये थॉट ये आया कि दिस इज द राइट टाइम टू अपग्रेड योर स्किल्स। हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने स्किल्स को शार्प करने के लिए, राइट? कुछ अधूरे काम है, हमें उनको कंप्लीट करना है। मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था मेरी बुक को लिखने के लिए और मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि मैं बिजी था, मेरे स्केड्यूल इतने बिजी थे मीटिंग्स में। फिर मैं रिव्यू मीटिंग के लिए जाता था, कभी सेल्स कॉल के लिए जा रहा हूँ मैं, कभी मुझे सेमिनार्स के लिए जाना पड़ रहा है, कभी मुझे वर्कशॉप के लिए प्रिपेयर करना पड़ रहा है। तो मैं पिछले 2 साल से मैं प्लान कर रहा हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था, और अब मुझे लग रहा है दिस इज द राइट टाइम, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है आराम से बैठकर बुक कंप्लीट करने के लिए। और मैं बताना चाहूंगा, पिछले 2 दिनों के अंदर 15% मैं काम कर चुका हूँ बुक पे। पहले 2 चैप्टर मैंने लिख भी लिए हैं, एडिटिंग में बाद में करूंगा, पहले मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, बुक कंप्लीट कर लूँ मैं। और ये इतना इजी टास्क है, मैं बताता हूँ किस तरह से लिखना है। मेरे दिमाग में थॉट था कि लिख बुक को राइटिंग करना है, बैठना है, प्लान करना है। आपके स्मार्टफोन में वर्ड एप्लीकेशन रहेगा, वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वहाँ पर जाइए। मेरी वाइफ ने मुझे बताया और उसने फिर उसमें वॉइस पे कनेक्ट किया और जो लैंग्वेज चाहिए आप वो लैंग्वेज डाल सकते हैं उसमें। आपको सिर्फ मोबाइल के सामने बात करनी है, वो ऑटोमेटिक ऑटो टाइप होता रहेगा, उसके अंदर आपका काफ़ी काम कंप्लीट हो जाता है। तो चीज़ें बहुत आसान है, मैं डिफिकल्ट लगती हैं, और ये प्रोसेस से मैं बुक कंप्लीट करने वाला हूँ अभी अपनी। सेकंड चीज़ मैंने प्लान किया है अपनी लीडरशिप स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लीडरशिप के कुछ प्रोग्राम्स लेना है। तो मैंने जॉन मैक्सवेल की बहुत सारी बुक्स निकाली हैं जिनको मैं पढ़ने वाला हूँ इन 15 दिन में, राइट? और अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन आने वाला जो टाइम है, आज 1 दिन का कर्फ्यू है लेकिन मे भी शायद नहीं पता, लेकिन जैसा हमें लग रहा है 31 दिन तो बताया गया 31 मार्च तक हमको रहना है, लेकिन हमें प्रीपेयर रहना चाहिए 10-15 दिन शायद। अब अगर हमें लगता है गवर्नमेंट बोलती है हमें, तो हमें प्रीपेयर रहना है, मेंटली प्रीपेयर रहना है लंबे टाइम के लिए, लॉकडाउन होने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे नहीं तो शायद ये वायरस से हम बचेंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे और नेशन में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको भी संभालने के लिए। तो वो टाइम पे आप घर पे बैठ के अपनी स्किल्स को शार्प कीजिए। अगर आप वाकई में चाहते हैं अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक ही स्किल्स पे आप काम करिए और वो है सेलिंग स्किल्स। और इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप सच में अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि अभी जो टाइम आएगा लोग बताएंगे कि मंदी आ रही है, रिसेशन आ रहा है, धंधा नहीं है, लोगों का पैसा नहीं है, सब चीज़ें आने वाली है, बहुत निगेटिविटी स्प्रेड होने वाली है। और मैं बताने वाला हूँ इसी पीरियड में बहुत ज़बरदस्त बिजनेस होने वाला है जब आप इस फेज से बाहर आएंगे, क्योंकि 80% जो लोग हैं वो निकलने वाले ही नहीं है ये बोलकर माइंड माइंड यहाँ पे सेट कर लेंगे कि मार्केट में धंधा नहीं है, वो लोग एक्शन लेंगे नहीं। और 20% जो लोग रहेंगे एग्रेसिव एक्शन लेंगे, वो 80% रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और 20% में भी उसका 20% मतलब 4% रहेंगे, उस 20% का भी हाईएस्ट अर्न करने वाले हैं, और ये वही लोग रहेंगे जो अपनी स्किल्स पे काम करने वाले हैं। तो अपनी सेलिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और एक सीडी थी हमारी सेल्स प्रोसेस जो हम 5,000 में सेल किया करते थे, वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाइए, नीचे लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सेल्स प्रोसेस सीडी ए बी एंड सी, तीनों को डाउनलोड करिए या फिर यूट्यूब से आप देख सकते हैं। और ये सीडी देखिए, आप जो कुछ सीख रहे हैं वो लिखिए, अपने नोटबुक बनाइए, उसमें लिखिए पॉइंट्स क्या क्या आपने सीखा, और इन पॉइंट्स को आप इम्प्लीमेंट करिए। यहाँ से आपका थॉट पैटर्न चेंज होगा, जब आप यहाँ से चेंज हो जाएंगे आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने की कलाकारी डेवलप हो जाएगी। तो स्किल्स को बिल्ड कीजिए ताकि जो आप आने वाले 12 महीने में करने वाले थे, इस फेज से निकलने के बाद वो रेवेन्यू आने वाले 30 से 45 दिन में जनरेट करना है, और वो जनरेट करने के लिए स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरी सीडी देखिए। मैं चाहूँगा अगर आपको और भी इस तरह के वीडियो अगर चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपके बिजनेस से रिलेटेड, जो कि है वो फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो कनेक्ट रहिए और कुछ भी निगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए। जो गवर्नमेंट बोल रही है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, जो हमारे सीएम साहब बोल रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए। और जैसे कि दिखाई दे रहा है, हर स्टेट के सीएम कुछ ना कुछ अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। अगर हम देखें तो हमारे उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया स्टेप्स ले रहे हैं, जो हमको दिखाई दे रहा है कि बहुत जबरदस्त स्टेप्स ले रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी बहुत बढ़िया स्टेप्स ले रहे हैं, यूपी में योगी जी को दिखाई दे रहा है, हर जगह केरला के हर स्टेट के सीएम कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं। कितने कंसर्न है वो अपने लोगों के लिए, अब बस हमें उसको फॉलो करना है और अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्ट विद कोच सलमान खान। थैंक यू।